आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील के अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री को 9 सूत्री मांग का ज्ञापन उपजिलाधिकारी पवन कुमार दीक्षित को सौंपा। अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने अधिवक्ताओं की मांग की जानकारी देते हुए कहा कि अधिवक्ता समाज के लिए उचित मानदेय की व्यवस्था की जाए, साथ ही अधिवक्ताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले। आए दिन अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, ऐसे में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अविलंब लागू किया जाए। अधिवक्ताओं को भी स्वास्थ्य एवं अपने आश्रयदाताओं को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। बार एसोसिएशन के मंत्री राम विनय यादव ने कहा कि हम अधिवक्ता बंधुओं ने अपनी मांग को लेकर बुढ़नपुर के SDM को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही मुख्यमंत्री से 9 सूत्री मांग के लिए न्याय कार्य से विरत रहने की चेतावनी दी है। हमारा नाम सुरेश कुमार सिंह एडवोकेट है, आज हम तहसील बुढ़नपुर बार के अध्यक्ष है और आज हमारा जो मेरठ में आंदोलन हुआ था उसी के समर्थन में हमारी 3 सूत्री मांगे हैं और उन मांगों को हमको ज्ञापन देना है जो SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है। SDM साहब के द्वारा वह DM साहब को जाएगा, DM साहब के द्वारा फिर वह शासन में जाएगा कि जैसे हमारी बचने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, आज भी अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हो रहा है, इस तरह से हमको कोई पेंशन या फंड कोई नहीं मिलता है, हमारे नौजवान अधिवक्ता आते हैं तो उनको हमारी मांगे क्योंकि कम से कम 10,000 रुपया और 60 साल के जो अधिवक्ता है वह जिसे रिटायरमेंट होता है सरकारी सर्विस में तो कम से कम उसको 50,000 रुपया पेंशन की व्यवस्था की जाए, 25,000 रुपया, इस तरह से हमारी तमाम मांगे हैं। उन मांगों के लिए हम लोग आंदोलित हैं और यह पूरे प्रदेश में हमारा आंदोलन आज यही चल रहा है, एक ही समय में पूरे प्रदेश में हमारा आंदोलन यही चल रहा है। और विशेष बातें हमारे मंत्री जी बता रहे हैं, डिटेल में मंत्री जी हैं। तहसील बार एसोसिएशन बुढ़नपुर आजमगढ़ का मंत्री, आज ये जो हमारा आंदोलन है ये मेरठ में 18/10/2024 को एक पूरे प्रदेश के अधिवक्ता संघों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि अधिवक्ता जो है बिना किसी सुविधा के पीएसएड में बैठ करके दीवार के किनारे बैठ के अपनी ईमानदारी से अपने कार्यों को करता है और गरीब जनता को न्याय दिलाने का काम करता है, लेकिन अपनी सारी सुविधाओं से वंचित है। हमारी यह उस महापंचायत के माध्यम से सरकार से मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू किया जाए और यंग अधिवक्ताओं को 10,000 जो है मासिक स्टाइपेंड दिया जाए और जो 60 वर्ष से अधिक अधिवक्ता है रिटायरमेंट के करीब है उनको जो है 25,000 मासिक पेंशन दी जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। और एक मांग हमारी और यह भी है कि सामूहिक स्वास्थ्य बीमा सभी अधिवक्ताओं का किया जाए और इसी के साथ एक और मांग है कि जो यहाँ पर अधिकारीगण है चाहे वो तहसील से लेकर के जिले तक वो जो है लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए और लॉ ग्रेजुएट ना होने के कारण हमको उनको श्रीमान और कहने में बड़ी शर्म आती है, इसलिए सरकार से यह मांग है कि तत्काल इसको किया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि तमाम गरीब जनता है जो कि हाई कोर्ट जाने में असमर्थ है, एक खंडपीठ जो है मंडल स्तर पर जो है बनाई जाए। और दूसरी मांग हमारी यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ जो प्रदेश स्तर पर भी कायम की जाए जिससे गरीब जनता को न्याय मिल सके। तीसरी हमारी मांग यह भी है कि जो जमानत होती है दीवानी न्यायालय में जमानत के वेरिफिकेशन में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, रेवेन्यू विभाग में आती है तो यहाँ तमाम लोग जो है ब्लैकमेल करते हैं, गरीब जनता की जल्द से जल्द जमानत नहीं मिल पाती है और पीछे पीछे घूमते जमानत मिलने के बाद वो हफ्तों तक 10 दिनों तक वो जेल में पड़े रहता है। तो एक अस्थायी वहां वेरिफिकेशन काउंटर स्थापित किया जाए जिससे सुलभ न्याय गरीब की जनता को मिले। और इसी के साथ जो है प्रदेश सरकार से यह भी मांग हमारी है कि जो गरीब जनता है जिसको न्याय चाहिए और उसको जो है कोई अधिवक्ता नहीं मिल पाता है तो सरकार अपनी तरफ से जो है उसको अधिवक्ता उपलब्ध कराए जिससे उसको न्याय मिले। साथ ही हमारी यह जो मांग है यह पूरे प्रदेश में आज जो है 22/10/2024 को एकदम निश्चित समय पर 12 बजे हुई है और श्रृंखलाबद्ध तरीके से हुई है और इसी की कड़ी में हम लोगों ने जो है उप जिलाधिकारी महोदय बुढ़नपुर को अपना ज्ञापन दिया है जो उनके मार्फत आदरणीय जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ को जाएगा और उनके माध्यम से जो है शासन को जाएगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, अनुरोध करते हैं
कि उस पर विचार करके इसको तत्काल में लागू करें, जिससे अधिवक्ताओं को भी सुख सुविधा मिल सके, क्योंकि उसी काम के लिए तमाम अधिकारियों को जो है 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता या आर्थिक मदद या उनको वेतन दिया जाता है। जब अधिवक्ताओं को ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो हमारी सरकार से मांग है कि उनके बैठने की व्यवस्था अच्छा चैंबर दिया जाए, उनके स्टैंड दिया जाए, जिससे उनकी मोटरसाइकिल गाड़ी जो भी लेकर के आते हैं सुरक्षित ढंग से खड़ी हो सके। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हमारी सब मांगे चल रही है और यह हमारा आंदोलन और धरना तब तक चलता रहेगा कि जब तक जो है हमारी मांगे मान ली नहीं जाती है। और ये जो मेरठ में अधिवक्ता महापंचायत हुई है वहां से जो निर्देश हमको प्राप्त होगा हम वही करेंगे। दूसरी इसी के साथ साथ बार काउंसिल से हम लोगों ने एक मांग किया है कि जो यह निर्वाचन क्षेत्र है पूरे उत्तर प्रदेश में एक आलियुपी में हर जिले में जाना पड़ता है, तो बार काउंसिल से हमारी मांग है कि वह जो है जिला स्तर पर जो है उसका निर्वाचन क्षेत्र बनाए, हर जो क्षेत्र से एक काउंसिल चुन करके जो है बार काउंसिल में जाए, जिससे हमारी समस्याएं दूर होने में आसानी हो सके। धन्यवाद।